पीडीएस पार्टी के रियासती स्पोक पर्सन असदुद्दीन साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे जीडीएस पार्टी के ताल्लुक से चंद अहम सवाल करेंगे। साहब, जो हसन के अंदर परसों कांग्रेस के एक लीडर सरजेवाला साहब जो इल्ज़ाम लगाए जेडीएस के ऊपर कि जेडीएस को वोट दिए तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है और जेडीएस बीजेपी की बी टीम है और जेडीएस ही जो है सुना रियासत कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदार है बोलकर उनका ऐसा सवाल था। देखिए, कोई नया इल्ज़ाम नहीं है। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्ज़ाम लगाया, 2018 में राहुल गांधी के जरिए बात बुलवाई गई थी, उनके जरिए उनको बोलने के लिए कहा गया था। मुझे अफसोस होता है, ताज्जुब होता है साथ में कि कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग जेडीएस को बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जबकि आप अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें और आवाम जानती है इन चीज़ों को कि कौन जो है ना अपने बीजेपी की बी टीम है। दो तीन एग्जांपल्स मैं दूंगा उससे और ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि आज तक कांग्रेस ने बीजेपी के किसी भी लीडर को करप्शन या किसी केस में सजा दी हो एक एग्जांपल नहीं दी जा सकती, और ना ही कभी बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों पे कोई केसेस किए और उसे अंजाम तक पहुंचाया है। ये दोनों एक दूसरे को बचाते आए हैं, लेकिन 2008 से 2013 के बीच में ये हमारी पार्टी के हमारे ही लीडर एचडी कुमार स्वामी साहब जिन्होंने कई जो है ना इनके स्कैंडल्स मंजरे आम पे लाए और येदियुरप्पा को जेल भी जाना पड़ा। अच्छा साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो बार बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस ये कर्नाटक में बीजेपी को स्ट्रांग करने का जेडीएस का ही हाथ है बोलते हैं। अच्छा, क्या ऐसी वक्त था जब बीजेपी का साथ लेके कुमारस्वामी सरकार बना, ऐसा क्यों था क्या जब कांग्रेस साथ देने को तैयार नहीं थी क्या? जब देखिए, कांग्रेस उस वक्त में हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। धर्म सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस पीरियड में, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त में एक डेमोक्रेटिक सेटअप में तादाद की ज़रूरत होती है हुकूमत बनाने के लिए, तो उस वक्त में कुमार स्वामी ने बीजेपी के साथ अलायंस में हुकूमत बनाई, और हुकूमत बनाना अलायंस में बजाते खुद कोई जुर्म, हुकूमत बनाना जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा जो है ना अपना पावर के लिए होती है। पॉलिटिक्स का मकसद ये होता है कि पावर हासिल किया जाए और उस पावर को मैनेज किया जाए। अब उस वक्त जो हुकूमत बनी, अगर उस वक्त में हमने अपने अलायंस पार्टनर को आरएसएस या की एजेंडे पे अमल करने दिया होता तो हम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता था। एक एग्जांपल नहीं है कि हमने हमारे अलायंस पार्टनर को बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे अमल करने की इजाज़त दी हो या हमने खुद ने अमल किया हो, लेकिन कांग्रेस ने अलायंस के बगैर भी हमेशा बीजेपी की पॉलिसियों पर अमल किया है हमेशा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एस एम कृष्णा के पीरियड में बीजेपी की पॉलिसी पर अमल करते हुए उस वक्त के कैबिनेट के मिनिस्टर डी बी चंद्रे गौड़ा, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक मिनिस्टर कैबिनेट का मिनिस्टर जाकर हजरत दादा मीर हयात खलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जाकर पूजा करके आता है। और उसको कंपेयर कीजिए 2007 जब कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, अलायंस पार्टनर बीजेपी थी, उस वक्त में बीजेपी के लोग यही हरकत करने जब जा रहे थे अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए, हमारे सदानंद गौड़ा बीजेपी के, शोभा करंदला जी, सी टी रवि और दीगर लीडर्स वहां पर पूजा करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, तो कुमार स्वामी ने उन्हें अरेस्ट करवाया। बीजेपी के जो एजेंडे पर अलायंस पार्टनर काम करना चाह रही थी, अलायंस पार्टनर, उसको भी रोक लगाई। तो हमने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा बीजेपी का मुकाबला किया है। कांग्रेस ने अलायंस के बगैर भी बीजेपी का साथ देने का काम किया है, और अब की बार जो हमारी अलायंस गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ थी उस हुकूमत को तोड़कर बीजेपी को फिर से पावर में लाने का काम भी वो कांग्रेस के लीडर्स का। क्या ये खाली